अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चियों और प्यारे बच्चों, और खुशामदीद कहानी कॉर्नर में। मेरा नाम मीना खाला है और आज हम एक बहुत मजे की कहानी सुनेंगे जिसको शायद आपने सुना हो लेकिन इस अंदाज में कभी नहीं सुना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि यह है क्या। आप गैस कर सकते हैं कि इसको अंग्रेजी में ये कौन सी कहानी थी अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाल शॉल वाली लड़की के बारे में हैं? शायद आपने बूझ ही लिया हो। तो ये कहानी थी रेड राइडिंग हुड। लेकिन हम थोड़ा सा रेड राइडिंग हुड को एक चस्का दे के आज की कहानी करेंगे। तो शुरू करें? ओके। एक ज़माने की बात है कि एक लड़की थी, उसका नाम था सफ़िया। और सर्दियों में, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियों में तो आप शॉल नहीं ओढ़ सकते, सर्दियों में उसको बहुत शौक़ था एक ख़ास अपनी लाल शॉल ओढ़ने का। वो हर रोज़ अपनी वो लाल शॉल ओढ़ के और हर जगह फिरती थी, और इतनी उसने अपनी लाल शॉल साल आ साल पहनी कि गांव में सब ने सफ़िया का नाम लाल शॉल सफ़िया रख दिया था। अब ये हुआ एक दिन कि लाल शॉल सफ़िया बेगम जो थी, उनकी नानी बीमार थी और उनकी तबीयत बस इतनी नहीं थी ठीक। नानी जो थी वो गांव में उनके पास नहीं रहती थी, नानी गांव से थोड़ा बाहर रहती थी जो थोड़ा दूर था। गांव और नानी के घर के बीच में थोड़ा सा जंगल भी होता था। तो जाहिर है सफ़िया की अम्मी ने उसको सख्ती से मना किया था कि तुम जंगल में कभी नहीं जाना, अगर कभी नानी के घर जाना भी हो। अब जाहिर है अब सफ़िया थी कोई 11-12 साल की शायद आपकी जितनी, और वो इतनी थी समझदार कि उसने ये बात अमूमन सुन लेती थी। लेकिन एक दिन अब यही हुआ कि नानी की तबीयत नहीं थी ठीक, तो सफ़िया, लाल शॉल सफ़िया की अम्मी ने हलवा बनाया और सफ़िया से कहा कि जाओ सफ़िया बेटी, तुम ये हलवा लो। उन्होंने खूबसूरत सी टोकरी में उसको सजा के, रुमाल लगा के, और सफ़िया को दिया और कहा कि जाओ जाके नानी को दे आओ और थोड़ी देर उनके पास बैठ जाना, तो उनकी थोड़ी ना हौसला अफजाई हो जाएगी, तुम जाकर उनका हाल चाल भी पूछा। सफ़िया ने कहा ठीक है, अब नानी के घर जाने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो सफ़िया ने अपने लाल शॉल की बुक्कल मारी, यूँ अपनी टोकरी उठाई और मज़े से चलती हुई चली गई राह के ऊपर। अब वो जी राह तो बिल्कुल साफ, एक सीधी सीधी राह थी, एक जिसमें सफ़िया लल्ला चलती हुई अपनी टोकरी लेके जा रही थी। अब दाएं और बाएं साइड पे जंगल तो था। अब आपको पता ही है कि जंगलों में पेड़ भी होते हैं, और कुछ पेड़ जो होते हैं वो चढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कुछ पेड़ बहुत ही अच्छे होते हैं चढ़ने के लिए, कुछ पेड़ों पर फल भी होता है जिस पर आप चढ़ के फल भी खा सकते हैं बैठ के, तो मज़ा दोबाला हो जाता है। यही हुआ कि चलते चलते तो जा रही थी सफ़िया, सफ़िया ने देखा आगे कि है बहुत अच्छा पेड़ नज़र आया उसे, सोचा है मैं चढ़ जाऊँ इस पेड़ के ऊपर, बड़ा मज़ा आएगा मुझे, थोड़ी सी तो मैं बोर भी हुई हूँ बस इसी सीधी सीधी राह पर चलते चलते। अब ये कि अब जंगल था तो घना, और जंगल में पेड़ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सुना था कि उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। अब कुछ लोगों ने उस भेड़िया को देखा था और कुछ ने नहीं देखा था। तो सफ़िया ने सोचा कि वैसे मेरे तो आँखों देखा हाल नहीं है, तो शायद भेड़िया ऐसे ही कोई गप लगा रहा होगा, चलो कोई बात नहीं आज शायद ना हो भेड़िया पर मैं पेड़ चढ़ लेती हूँ, मज़ा आएगा, बस अब कभी कभी मज़ा आता है वो कर लेता है बंदा। तो सफ़िया गई और जाके पेड़ चढ़ा, उसको बहुत मज़ा आया, अपनी लाल शॉल उसकी हवा में लहर लहाती हुई जा रही थी, और सफ़िया ने इधर उधर देखा और सारा उसको नज़ारा नज़र आ रहा था जंगल का, और बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अब वो तो मज़े कर रही थी पेड़ में बैठ के, लेकिन किसकी नज़र पड़ी लाल शॉल सफ़िया के ऊपर? भेड़िए की। भेड़िया साहब जो थे वो जा रहे थे जंगल में से चलते हुए, तो उन्हें जब ऊपर देखा उन्होंने कहा ये क्या लाल लाल चीज़ है पेड़ के अंदर जो साफ दूर से नज़र आ रहा था, क्योंकि लाल रंग तो आपको पता ही है ज़रा ना दिखता तो है। भेड़िए ने तो ऊपर देखा, भेड़िए ने कहा अरे ये तो एक लड़की है शॉल में, मैं तो बड़े अरसे से कोई बच्चा नहीं देखा इस जंगल के अंदर, इसको तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा, ये भी मोटी ताज़ी सी, सोचा चलो मैं इसका ज़रा पीछा करके देखता हूँ कि जा कहाँ रही है, ये टोकरी में क्या है तो मैं वो भी खा लूँगा अगर कोई खाने की चीज़ हुई, था तो बड़ा तेज़ चलाक तरीन भेड़िया। तो बस फिर सफ़िया उतनी देर में पेड़ से नीचे उतरी, उसको क्या पता कि कोई भेड़िया उसे देख रहा है, फिर टोकरी पकड़ी और वापस राह पर चलती हुई चली गई। पीछे पीछे ना पत्तों में से और झाड़ियों में से ना पीछा उसका किया भेड़िए ने, तो भेड़िए ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये एक ही जगह जा रही है और वो वाले घर में जहाँ वो बुढ़िया रहती है,
था तो थोड़ा बदतमीज सा भेड़िया, तो उस बेचारी, उसकी तो नानी नहीं थी ना, बेचारी नानी को उसने बुढ़िया बना दिया। एनीवे तो फिर क्या हुआ कि भेड़िया पीछे के रास्ते से गया फटाफट और नानी के घर में घुस गया। नानी ने कहा, अरे भेड़िया क्या, बचाओ बचाओ है। तो भेड़िया ने झटपट नानी को पकड़ा, नानी के मुंह पर डांटा बांधा, उनको अलमारी में बंद कर दिया। और फिर भेड़िया वापस पीछे भागा कमरे के अंदर, नानी का दुपट्टा उठाया, खुद उसको लपेटा अपने मुंह और सर के ऊपर और नानी के बिस्तर में घुस गया और पूरा लिहाफ अपनी थोड़ी तक ऊपर खींच लिया। और फिर उसने इंतजार किया, अब तो आने वाली है लाल चौल सफिया। यही हुआ, बिल्कुल कोई 5-6 मिनट बाद सफिया पहुंच गई घर। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा, नानी मैं सफिया हूँ, मैं आ गई। भेड़िए ने कहा, हाँ बेटी अंदर तो आओ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। नानी का गला कुछ ज्यादा ही बैठ गया है लगता है, पता नहीं कैसी आवाज हो गई नानी की। आ तो गई हूँ अंदर, टोकरी रखी, उसने इधर उधर किया, उसने पानी पिया। उसने कहा, नानी आप पानी पियेंगी, मैं ले आऊँ आपके लिए कुछ, थोड़ा सा हलवा डाल दूँ एक प्लेट में। तो भेड़िए ने कहा, नहीं नहीं बेटी, बस तुम ही आ जाओ मेरे पास बैठने, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सफिया ने कहा, ओके मैं आ रही हूँ। सफिया आ गई। सफिया ने कहा, नानी आप कुछ लंबी सी लग रही हैं, आपका कोई कद तो नहीं बढ़ गया पिछले हफ्ते के अंदर है। तो भेड़िए ने कहा, नहीं नहीं बेटा, असल में ना मैं हलवा खा के थोड़ी मोटी हो गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा करीब तो आओ। ज़ाहिर है भेड़िया का यही प्लान था ना, मंसूबा यही था कि वो करीब आएगी, सफिया तो झपट्टा मार लेगा। अच्छा ठीक है, सफिया एक कदम और आगे गई। नानी ये आपकी नाक को क्या हो गया, ये तो इतनी लंबी सी लग रही है। भेड़िया ने कहा, नहीं नहीं बेटे, असल में ना मैंने रात को क्रीम नहीं लगाई थी ना, तो बस थोड़ी ना स्किन ख़राब हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है बीमारी की वजह से, बस ज़रा करीब तो आओ, आओ ना ज़रा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। सफिया और करीब गई तो झटपट भेड़िया ने उस पर जंप लगा दी बिस्तर से कूद के, और सफिया ने पीछे जंप मारी। उसने कहा, अरे तुम तो भेड़िया हो, मुझे तो पता था कि तुम भेड़िए हो है, तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे अपनी नानी का नहीं पता होगा है। तो भेड़िए ने कहा, हाँ अब तो बहुत देर हो गई है, अब तुम मेरा नाश्ता हो है। तो क्या किया सफिया ने, सफिया ने कहा, जी नहीं। और सफिया ने नानी के बिस्तर के नीचे से क्रिकेट का बल्ला खींच के निकाला और कहाँ है मेरी नानी है। तो भेड़िए ने कहा, जहाँ भी है तेरी नानी, तुम तो मेरा नाश्ता हो अब है। सफिया ने एक रख के जो सिक्सर मारा उसके बम्स के ऊपर ठा है। तो भेड़िए ने कहा, भेड़िए की तो चीख निकले। सफिया ने कहा, भेड़िए के बच्चे तुम खबरदार, तुमने मुझे डराया, मैं तो तुम्हारा कीमा निकाल दूंगी है। उसने बल्ला पकड़ा, खूब उसने पिटाई की भेड़िए की, और भेड़िया भाग गया दुम दबा के। बस फिर भेड़िया तो भाग गया, और कुछ लोग कहते हैं तो जंगल छोड़ के उस दिन भाग गया था लाल शॉल सफिया के डर से। बस उतनी देर में सफिया ने खूब पूरा घर छाना और उसको अपनी नानी मिल गई बेचारी अलमारी में जो बंद थी। सफिया ने नानी को निकाला, उनको बहुत प्यार किया, नानी ने उसको बहुत प्यार किया और कहा, सफिया तुम तो इतनी बहादुर लड़की निकली, तुम भेड़िया की ऐसी तैसी कर दी है। सफिया ने कहा कि हाँ वैसे वाकई में उस वक्त मुझे बहुत नाइंसाफ़ी लगी कि भेड़िया का बच्चा क्या करने लगा था है। तो आई गेस हम इससे यही सीखते हैं कि कभी किसी डरावने सिचुएशन में डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन बहादुर होंगे तो हर डर का हम सामना बहादुरी से अगर करेंगे तो कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो बस ये थी हमारी आज की कहानी। अब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ा आया और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर आपको अगली बारी के लिए कोई ख़ास कहानी सुननी है तो वो भी हमें आप कमेंट्स में बताइएगा। आप उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वही सारी अच्छी अच्छी बातें जो यूट्यूब पे होती हैं। और अगली दफ़ा हमारी मुलाकात होगी कहानी कॉर्नर में। खुदा हाफिज़।